नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने चैनल पर। तो मैं आज आया हूं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जिसका जिक्र आपने अभी तक नहीं सुना होगा। अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें इसका जिक्र था। ये लगभग आज से 5000 साल पहले की कहानी है। तो चलिए आज दिखाता हूँ आपको मैं आया कहाँ हूँ और आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, तो मैं आज दिखाने लाया हूँ आपको लाक्षाग्रह। ये महाभारत काल का है, लगभग आज से 5000 वर्ष पहले का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना अभी बचा हुआ है जो आपको अवशेष दिखाऊंगा। तो चलिए आइए चलते हैं, इस लाक्षाग्रह को देखते हैं और क्या क्या इसमें शेष बचा है अभी उसको एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे अभी मिलते हैं हम गुरुजी से भी। तो चलिए चलते हैं। ये लाक्षाग्रह में अब गौशाला भी बना दी गई है जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर संचालित की जाती है गुरुकुल के ही द्वारा। और यह है लाख मंडप। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ से लाख मंडप यानी लाक्षाग्रह है। तो चलिए आइए वहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या है जो शेष बचा है देखने के लिए। तो मेरे साथ हैं गुरुकुल के गुरुजी रंजीत सिंह जी, जो मुझे आगे का सारा बताएंगे इस लाक्षाग्रह के बारे में। मैं अपने भाई से बोलूँगा एक बार पूरा एरिया दिखाइए जो लाक्षाग्रह का है, जहाँ पर पांडव रुके थे और ये पांडवों के लिए लाक्षाग्रह बनवाया गया था कौरवों के द्वारा। और आगे का इतिहास जानता हूँ मैं इनसे। तो बताइए इसमें ये बनाया किसने था, किसके द्वारा बनाया गया था? ऐसा था कि कौरव और पांडव भाई थे, जो एक ही परिवार के थे, लेकिन पांडवों को कौरवों ने जीने नहीं दिया और उन्होंने दुर्योधन ने उनको मारने का भरसक प्रयत्न किया, क्योंकि भगवान हत्याने के लिए। हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में थे, उन्होंने हर पग पर बचाया और जब इन्होंने लाक्षाग्रह बनाया यहाँ ठहरने के लिए कहा तो विदुर जी महाराज ने उनको संकेत दे दिया, उनको पता लग गया और उनको पांडवों को उन्होंने कह दिया, सूचित कर दिया। तो रातों रात लाक्षाग्रह जलने से पहले ही वो निकल करके यहाँ से, और अभी गुफा आप देख के आए हैं तो वो उस गुफा के जरिए वो बाहर निकल गए। इस प्रकार से पांडवों की जान वहाँ बची। ये लाक्षाग्रह कहते हैं लाख का बना हुआ था। लाख क्या? लाक्षा का मतलब ही लाख होता है। लाख एक ऐसा पदार्थ है जो जलाएं तो जल जाता है, जल्दी आग पकड़ता है, आग पकड़ लेता है और पिघल जाता है। कहते हैं आपने जो चूड़ियों यूज होता है वो पहले चूड़ियों के अंदर लाख की चूड़ियां ही बनती थी और अब तो लाख की भी बनती है और कांच की भी बनती है। आग जो है वो आग लगाते ही वो जल जाता है। तो बनाने वाले ने भी कोई कारीगर ही था जिसने महल इतना लाख का महल बनाया है। और क्योंकि रजवाड़ा था, राज्य था, धृतराष्ट्र का राज्य था, पांडव का उसने हथिया लिया था, तो राजाओं के लिए कोई मुश्किल नहीं था, उन्होंने जो है लाख की महल बना दिया। इसलिए हिस्सा है ये जो बचा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये यहाँ कुछ रुइंस थे, कुछ महल था, उसके साथ में ही महल बनाया गया था। तो ये वहाँ उसके जो है ना खंडहर पड़े हैं जी। नहीं, साल डेढ़ साल जिस कमरे में रुके थे ना, वो कमरे के बारे में कोई नहीं, यहाँ कोई विदित नहीं है और ना किसी को पता है इस चीज का, बट था इसी एरिया में। हाँ, यही इसी स्थान पर जो जिसको जो आप ये जो पुरातत्व विभाग ने चारों तरफ परकोटा बना दिया है और इसको द्वारा बनाई गई है बाउंड्री लाइन। हाँ जी। और ये जो एरिया है ये भी तरीका बना हुआ है, ये गुंबद उसी हाँ, महाभारत काल का उसी टाइम गया। अब ये चबूतरा पड़ा है, यह देखो ये पिलर थे यहाँ चारों तरफ, ये सारा ढह गया, कुछ के अंदर निर्मित किया गया है, कोई सरिया नहीं लगा, कोई जगह होती नहीं है। आप इनकी छोटी ईंटों के ये सिर्फ अब अवशेष बचे हैं, बनावट है। तो देखिए किस प्रकार से, किस कारीगरी से ईंटों को चयन करके एक एक जोड़ करके लगाया गया है।
ये गेट भी देखिए आप जो है ना, ये हैं इसके ऊपर किस तरह से ईंटों को जो है जोड़ा गया है। ये उसी दौरान की उसी टाइम की जो है उसी टाइम के चूने में बनी हुई ये चीज़ें अभी तक खड़ी। रास्ता जाता है उस सुरंग को जहाँ से पांडव बाहर निकले थे। हिंडन नदी के किनारे पे सुरंग खुल जाती थी और उसी रास्ते पे को पांडव यहाँ से बाहर निकले थे। आइए चलो चलते हैं, वो सुरंग दिखाता हूँ आपको। ये वो गुफा है जिसके अंदर से पांडव और उनकी माँ कुंती निकल के गए थे जब इस लाक्षाग्रह में उन्होंने खुद आग लगा दी थी। और ये जो गुफा है, उधर पीछे एक नदी है जिसका नाम हिंडन है। कृष्णा नदी और हिंडन नदी दोनों का संगम है, ये वहाँ पे निकलती है और वहाँ से निकल के पांडव नाव में बैठ के और हस्तिनापुर की तरफ निकल गए थे। इस सुरंग के अंदर जाना थोड़ा खतरनाक है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता, मुमकिन नहीं है मेरे लिए जाना, क्योंकि अंदर सांप बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जंगल में है बिल्कुल। तो अपनी सुरक्षा को देखते हुए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा और आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये इस गुफा का दूसरा हिस्सा है। ये गुफा जॉइंट थी, इसमें करीब 7 मोड़ थे जो मुड़ के सीधा हिंडन नदी पे खुलते थे। ये बीच का हिस्सा ऊपर से टूट गया था जो अब ये खाली स्पेस है। ये गुफा यहाँ से उधर दूसरी गुफा में जुड़ जाती थी। तो चलिए आइए दूसरी जगह दिखाता हूँ उसकी। ये यहाँ पे गुरुकुल, चलिए इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर है क्या। तो अब से करीब 60 साल पहले इस लाक्षाग्रह में ये जो मेरे पीछे आप एरिया देख रहे हैं, ये गुरुकुल खोल दिया गया था। यहाँ पर बच्चे दूर दूर से आते हैं लोग अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देने के दिलाने के लिए। ये आरोग्य व्यायामशाला है, मेरे पीछे सत्संग भवन है और ये जो आप देख रहे हैं ये संस्कृत महाविद्यालय है। तो लोग यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आइए अब गुरुजी से जानते हैं यहाँ के गुरुकुल का इतिहास और ये लाक्षाग्रह का इतिहास, ये कब हुआ कैसे हुआ। तो आइए, नमस्कार गुरुजी। तो बताइए यहाँ पे क्या कैसे था? ये लाक्षाग्रह के रूप में इसका निर्माण किया गया था, ये तो सब जानते ही हैं कि लाक्षाग्रह पांडवों को जलाने के लिए जी। लेकिन इस स्थान पर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त पूर्व जन्म के श्रृंग ऋषि थे जी, जिन्होंने जो आप निर्माण देख रहे हैं सब उन्हीं का किया हुआ है। ये जो ये प्रांगण में जिसने हमें है, जिसका गुरुकुल जो है जी जी जी, और 1957 में वो यहाँ आए थे बनगांव जी, उस समय किले के रूप में था जी। तो उनकी एक प्रक्रिया थी बचपन से ही कि वो सीधे लेट जाते थे शवासन में और लेट करके संस्कृत बोलते थे जी, और ये प्रक्रिया उनकी बचपन से थी जी। तो लेट करके उस मुद्रा में उन्होंने, जैसे यहाँ बनगांव आए तो उस मुद्रा में उन्होंने प्रवचन किया और उस प्रवचन में जो है उन्होंने लाक्षाग्रह का इतिहास दिया जो उनके शिष्य महानंद मुनि थे पूर्व काल में, उनके द्वारा किया हुआ है बताया हुआ है जी। तो उन्होंने कहा कि 3 स्थितियाँ इसकी लाक्षाग्रह थी। सबसे पहली स्थिति में यहाँ व्यास ऋषि का आश्रम था ये जी, और फिर आचार्य द्रोण का विश्वविद्यालय यहाँ बनाया गया, और फिर बाद में यहाँ जो है जैमिन ऋषि हुए, उन्होंने एक शास्त्र की रचना की थी यहाँ जी, और महर्षि वेद व्यास ने पारण यज्ञ किए कई बार। तो बहुत पुराना इतिहास है इसका, पूर्व काल का जो जी लाक्षाग्रह से पहली स्थिति जो थी इसकी जी। और उसमें यहाँ जो है एक पुस्तकालय था बहुत बड़ा, जब अर्जुन मंगल ग्रह पे गए थे जी अस्त्र शस्त्र खोज में, तो उसकी लिखी हुई पुस्तक थी यहाँ, लगभग 1000 पुस्तक की थी। तो गुरुजी वो आप पुस्तक वो है कहाँ पे, उसके कुछ अवशेष होंगे? लाक्षाग्रह की यहाँ बनाया गया तो उसमें वो जल के राख हो गया था। अच्छा, तो नष्ट कर दिया गया था बीच के काल में। तो करीब ये मतलब जब पांडव थे आज से 5000 साल पहले, ये उससे पहले का भी, ये उससे पहले का इतिहास है। हाँ,
मतलब लाक्षाग्रह से पूर्व का जो इतिहास है जी उसके दिया है हमने स्वामी जी ने। और लाक्षाग्रह के बाद में फिर कई चीज़ आई, जब ये महाभारत हो गया जी तो महाभारत के बाद में जैन काल आया, मुगल काल आया। हाँ जी, तो मुगल काल में और जैन काल में जो परिवर्तन हुआ यहाँ, जैन ही उन्हें दिया स्वामी जी ने, ब्रह्मचारियों ने इतिहास दिया कि सबसे पहले जितना भी वैदिक साहित्य था यहाँ वो सब नष्ट किया गया जैनियों के द्वारा। ये जैनियों के द्वारा वैदिक साहित्य नष्ट किया गया और जो कुछ कमियां रह गई थी वो शेष जो है मुगल काल में पूर्ति की गई। धर्म परिवर्तन हुआ, धार्मिक स्तर को चेंज किया गया, तो उसका पूरा इतिहास स्वामी जी ने दिया। जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट होगी सामने। वो सारी की सारी जो बातें हैं वो कहाँ कौन सी बुक में देखने को मिलेंगी? पुस्तकें हैं, लाक्षाग्रह का इतिहास पुस्तक है, उस पुस्तक में पूरा वर्णन किया हुआ है संसार जी। शुक्रिया स्वामी जी। तो ये इतिहास था इस जगह का, कहाँ अभी तक हमें यही पता था कि ये महाभारत काल का है, मगर महाभारत काल से भी पहले का इतिहास इस जगह का चलता आ रहा है। गुरुजी से जानते हैं हम यहाँ पर जो ये विद्यालय जो जिस प्रांगण में मैं बैठा हूँ ये गुरुकुल है, तो गुरुजी से जानते हैं यहाँ का, यहाँ कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और किस स्थिति में या कैसे उनको यहाँ पर रखा जाता है, क्या तरीका क्या होता है? तो गुरु जी, ये लाक्षाग्रह में जो बच्चे पढ़ते हैं ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ, वहाँ से इसका संबंध है। लगभग 1350 विद्यालय यूपी में हैं और वो सब उस बोर्ड से संबंधित हैं, संस्कृत बोर्ड से। तो यहाँ पे बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ जो बच्चे आते हैं यूपी से तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से बच्चे आकर के पढ़ते हैं जी। और सभी बच्चों की शिक्षण निःशुल्क होता है, भोजन के रूप में, आवास के रूप में 1000 रुपये महीना के बच्चे से होता है जी, और उसी से सब निर्वाह होता है जैसे भी होता है। संस्था जो है दान पर निर्भर करती है जी, काफ़ी लोग इसमें सहयोग करते हैं अन्न के रूप में, अर्थ के रूप में, उसी से ये संस्था चलती है। तो सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं? सरकार से जो है जो अध्यापकों को वेतन है वो मिलता है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है जी, इसके अतिरिक्त जो खर्च होता है वो सब समाज की सहायता से होता है। तो इस विद्यालय का पूरा जो खर्च चलता है वो सारा का सारा गुरुजी अपने थ्रू करते हैं या जो यहाँ पर दान दक्षिणा आती है उसी के थ्रू किया जाता है? यहाँ पर रहने वाले छात्रों से मात्र 1000 रुपये प्रति माह सिर्फ रहना और भोजन की व्यवस्था के लिए लिया जाता है, बाकी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, हमारे वैदिक ग्रंथों की शिक्षा हमें दी जाती है यहाँ पर। तो ये था लाक्षाग्रह जो यूपी में बागपत के पास बरनावा में स्थित है, करीब मेरठ से 35 किलोमीटर की दूरी और दिल्ली से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो आइए आप भी इस जगह को देखिए और महाभारत काल में वापस लौट जाइए और देखिए क्या हुआ था उस दौरान। तो मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई जगह पर और नई तथ्यों के साथ। नमस्कार।